15 नवंबर के दिन आईपीएल 2023 के लिए रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने जमा करवाई थी। आपको बता दें, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिसमें अब उनका एक ऐसा खिलाड़ी जिसने रिलीज होने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में तूफान मचा दिया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं युवा बल्लेबाज एन जगदीश यानी कि नारायण जगदीश की। नारायण जगदीश को चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले कई आईपीएल सीजन में काफी कम मौका दिया, लगातार बल्लेबाज बेंच गरम करता दिखाई दिया है। आपको बता दें कि एन जगदीशन के साथ खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ आज चेन्नई सुपर किंग्स के एक सुपरस्टार बल्लेबाज बन गए हैं और आने वाले समय में उन्हें फ्यूचर कप्तान माना जा रहा है। लेकिन जब से एन जगदीश का चेन्नई सुपर किंग्स से पत्ता कटा है, धोनी के निगरानी में रहने वाले इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें, एन जगदीश ने विजय हजारे ट्रॉफी के 3 मैच में लगातार 3 सेंचुरी ठोकते हुए दावा पेश किया है। उन्होंने गोवा के खिलाफ 136, मध्य प्रदेश के खिलाफ 107 तो वहीं आंध्र प्रदेश के खिलाफ 114 रनों की शतकीय पारी खेली। अब एन जगदीश के इस प्रदर्शन के बाद ये कहना तय है कि 23 दिसंबर के दिन होने वाले मिनी ऑक्शन में कई फ्रेंचाइज इस युवा बल्लेबाज पर अपना जोर दिखाना चाहेगी, यानी कि इस खिलाड़ी पर मोटी बोली लगना तय है। एन जगदीश को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर वही ये खिलाड़ी किसी नई फ्रेंचाइज में जाता है तो फिर ये मौका होगा कि ये अपनी प्रतिभा को साबित कर सके और जैसा विजय हजारे में प्रदर्शन किया है वैसा आईपीएल में प्रदर्शन करते हुए इंडियन टीम के गेट भी खटखटा ले। क्या लगता है आपको, क्या एन जगदीशन पर कोई बड़ी फ्रेंचाइज दाव लगाना चाहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल वन इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।